जय हिंद दोस्तों दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ही YouTube चैनल MLB स्टडी में। सो गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में हम लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके जो अपन एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन ने साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़ा था। ठीक है, अगर वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, वहां से आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि जनरलाइज्ड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने बुक के अंदर इसको इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है कि इसी चीज को वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के रूप में भी कहा जाता है और नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के रूप में भी कहा जाता है। तो देखिए, जनरलाइज्ड पोटेंशियल को अपन टू टाइप से स्टडी कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि भाई वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल, दूसरा होता है नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। देखिए कि वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी सिस्टम का जो जनरलाइज पोटेंशियल होता है वो जनरलाइज वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा और इसके साथ साथ वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर बात? देखिए, तो मैंने क्या लिख रखा है कि फॉर वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल जनरलाइज पोटेंशियल ऑफ एनी सिस्टम इज डिपेंड ऑन बोथ जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। क्लियर? इसका मतलब मैंने जो जनरलाइज पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन लिख दिया, क्यू और क्यू डॉट, यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी। क्यू डॉट का मतलब क्यों हो गया, जनरलाइज वेलोसिटी। सही बात है। चलो, इसी को अगर अपन इसी से जनरलाइज फोर्स निकालना चाहे, अगर जनरलाइज फोर्स निकालना हो अपने को, तो देखिए कि ये जनरलाइज फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो मैंने लिख दिया डेल वी बाय डेल क्यू और माइनस का साइन आगे लगा दिया प्लस, और एक इसका वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब डेल वी बाय डेल क्यू डॉट और डी बाय डी टी। ये बिल्कुल लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही है, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही है। ठीक है, तो वहां पर अपने पास सिस्टम के लिए लाग्रांजियन निकालना पड़ता था, यहां पर हमारे को सिस्टम का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है गाइज, और जब इस प्रकार का कार्यक्रम होता है किसी सिस्टम के लिए तो उस सिस्टम को अपन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, दूसरा पॉइंट इसी को इट इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल का मतलब सीधा यह है कि उसका जो जनरलाइज पोटेंशियल होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसके जनरलाइज पोटेंशियल को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसका फंक्शन है ये, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। तो इसके लिए जनरलाइज फोर्स निकालना हो तो डेल वी बाय डेल क्यू, और ये नेगेटिव साइन आगे लिख लिया अपन ने। ठीक है, ये कुछ अपना नियम होता है निकालने का। ठीक है, तो अब इसी सिस्टम को अपन क्या कह सकते हैं भाई, अगर कोई भी सिस्टम, अगर अपना कोई भी सिस्टम वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको अपन कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। तो देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज कंजर्वेटिव सिस्टम। सो गाइस, ऐसा करता हूं आपको दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी अच्छे अच्छे वीडियो आए इसी प्रकार के फिजिक्स के रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।